तो कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का क्या कुछ कहना है अग्निपथ योजना को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी, सवाल नंबर एक। सिंपल बात है, पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे, बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया, और पिछले दो साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को भी की भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। ये बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं, 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। तो एक ना छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है, बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो। मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी। बच्चा मम्मी को ये नहीं कहता कि मम्मी दूध पिला दो।